गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो फिलहाल तो अभी 10 बज रहा है सुबह का दम और हम तो उठ गए, ब्रश भी कर लिए और बेड भी तैयार किया। आज उठने में लेट हो गया था, हमको नींद खुला 8 बजे, करीब 8:30 में पता नहीं नींद नहीं खुल रहा था। सब कुछ बहुत उठाया लेकिन नींद ही नहीं खुला, थकावट के चलते में भी, लेकिन थकावट हो गया है दिन भर तो गाड़ी में, यही तो दिक्कत है कि जा रहे नहीं है। मे भी घर में बैठे बैठे थकावट हो गया होगा, सब चीज़ हो गया गाइस। बाकी आज मौसम क्या हुआ है, थोड़ा सा गर्म गर्म धूप है कड़ा और हवा वैसा नहीं चल रहा है आज डेली के जैसा। सीन यही है कि अभी हम ब्रश कर लिए और नहाने जाएंगे क्योंकि कुणाल आता है, आप तो जानते हैं। तो कुणाल के आने से पहले अपने को नहा हुआ रेडी होना रहता है। कल लेट हो गया था, हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी करना पड़ा था। आज अभी समय है तो हम चाय पी के बस जल्दी से नहाने जाएंगे, फिर पूजा भी करना रहता है भगवान जी का। बाकी गाइस मम्मी अभी नाश्ता बना रही है किचन में और यहाँ देखिए मौसम, देखिए धूप है ना करा। तो हम भी अपना गर्म गर्म चाय फिनिश करके जल्दी से नहाने के लिए जाते हैं। कुणाल के आने से पहले जल्दी से नहा हुआ लेंगे तभी ना उसको लाने जा पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। फिलहाल तो हम नहा हुआ रेडी हो गए हैं, बस ठीक से पैंट डाल दिए हैं और फिलहाल तो आप देख पा रहे होंगे पूजा भी हो गया है मेरा और फिलहाल जाने नाश्ता करने 10:43 या 44 होगा। कुणाल आता है 11 बजे, तो अभी बस अभी 10-15 मिनट है तो हम जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसको लाने चला जाएगा। मम्मी भी अपना काम में लगी हुई है तो जल्दी से पेट पूजा करके फिर चलते हैं नीचे। फिलहाल तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया, कुणाल भी आ गया है तो कुणाल सोने चला गया है, देख पा रहे होंगे अंधेरा रूम। कुणाल सो गया है, अब फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर करने के लिए वगैरह, बता देते हैं। गर्म हवा आ रहा है, गर्म हवा पहने में मज़ा हो गया। तो चलिए कर लेते हैं और पढ़ाई करने बैठेंगे, मिलेंगे आपसे। पढ़ाई अभी फिलहाल 5 बजता है और अपन पढ़ाई वगैरह करके उठ गए हैं, सब चीज़ हो गया, अपना किताब अभी बंद कर लिए और काफ़ी हो गया आज का और थक भी गया गाइज पढ़ते पढ़ते। फिलहाल तो गाइज कुणाल उठ गया है और अभी का सीन ऐसा है कुछ कि अभी हम बना रहे हैं होममेड पिज़्ज़ा, फुल्ली होममेड है, हम पूरा तरीका से घर पर कोई भी एक्सटर्नल सामान नहीं, मतलब सब्जी वगैरह बस बाहर से, वो तो बारिश से, लेकिन बाकी हर एक चीज़ एक एक चीज़ बेस से लेकर चीज़ तक सब चीज़ घर पे। बाकी चीज़ कल बनाई थी मम्मी, नाइस बॉक्स में रखा हुआ है और ये रुक जाइए और पतला हुआ था क्योंकि वो आप पत्ती डाली तो छेदा भी कटे होना चाहिए। हाँ वो तो बहुत जरूरी है छेदा, और देखिए इधर देखिए मम्मी अथी वही बना रही है इसका बेस और ये हम सब्जी कुछ कुछ काट लिए हैं, अभी तुरंत काटे सब्जी जा देने को। हाँ ठीक है, अब उसमें वो कर दीजिए खूब सारे छेद वगैरह कर दीजिए। हाँ छेद कर दीजिए अच्छा से। ये देखिए अपना ट्रे है और दिखा दो अंदर माइक्रोवेव भी हो रहा है, ओवन भी हम लोग हीट कर दिए हैं। अब देखिए क्या होता है, आज ट्राई करेंगे फर्स्ट टाइम, इससे पहले आज तक मैंने ट्राई किया सब्जी बनाना। अब बस जल्दी से अथी उसके ऊपर सॉस वगैरह लगाएंगे, सब्जी रखेंगे और बना के खा के देखते हैं कैसा बनता है क्योंकि पहला बार लग रहा था ऐसा। अथी भी यूट्यूब ही से देख देख के कुछ कुछ हेल्प वगैरह लेके कोशिश किए बनाने का, तो देखिए क्या होता है। बाकी का एक मौसम दिखाना भूल गया, मौसम देखिएगा इंसान 5 बज रहा है, आज गर्मी खतरनाक था गाइस, मतलब आज कल जैसा मौसम नहीं था, धूप कड़ा है तो अभी छत पे जाने लायक मौसम है नहीं, बहुत भयानक धूप है और हवा आज चल रहा नहीं है, आज हवा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, तो वैसे जल्दी अभी तो जाने की कोई अभी धूप बनता नहीं, बाद में चल जाएगा अच्छी से होगा। तो चल रही है गाइस मम्मी, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी अभी बना लेते हैं और ये सब्जी अपना जो हम काट रहे हैं सब ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं खाते में। फिलहाल तो हम अपना मतलब पहला पिज्ज़ा हम लोग कब बना के मतलब बनाए नहीं है, मतलब उसका अथी वगैरह डाल के उसको डाल दिए हैं, इसमें देख पा रहे होंगे आप बन रहा है देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी सब्जी वगैरह चीज़ वगैरह सब चीज़ अपना चीज़ वगैरह सब अपना घर का बना हुआ है, तो देखिए अब कैसा बनता है। 9 मिनट का टाइमर लगाया है, 8-9 मिनट का, तो देखिए कितना अच्छा बनता है कैसा बनता है। वेट कर रहे हैं गाइस कुछ अलग ट्राई करने के लिए घर का बना हुआ, अगर ये आज सक्सेसफुल हो गया गाइस तब मज़ा आ जाएगा, क्यों कैसा देख लगता है, वेट करना पड़ेगा अपने आप को 9 मिनट और वेट करना होगा, उसके बाद सब कोई आपके लिए बनाया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो सबके लिए बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बस फिंगर क्रॉस।
तो चलिए वेट करते हैं 9 मिनट, फिर देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आपसे 9 मिनट में। फिलहाल तो पिज्जा बन गया है एक, जो मम्मी खा रही है अभी। कैसा लगा मम्मा? बहुत टेस्टी, बहुत एकदम होम मेड पिज्जा है गाइस। हम लोग भी एक पीस टेस्ट किए जो काफ़ी टेस्टी लगा खाने में, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था गाइस, मज़ा आ गया खा के। बाकी यही सब सीन था कि टेस्टी टेस्टी खा रहे थे, अभी अपना डालेंगे अपना खाएंगे। कुणाल एक कुणाल बनाया, कुणाल के बनाए तो वो कुणाल अपना देखो अपना दिखा दो। ये भैया का है जो आप खा लेंगे। हम अपना अपना खाएंगे। चलिए हम भी खा लेते हैं, बना लेते हैं और फिर खाया जाएगा, फिर बता दे कैसा बनाया। गाइस आज शाम हो गया, छत पे भी नहीं जा पाए, पेड़ में पानी डालना वो भी नहीं डाल पाए, सूरज डाल कुणाल करेगा इन्हें खाने की। अरे पेड़ अधिक हो रहा है गाइस, इंतजार कर रहा है मेरा छत पे, हो जल्दी से हो जाए पिज्जा अपना खा ले फिर चला जाएगा छत पे, अभी तो डालें उसको। फिलहाल तो देखिए पिज्जा अपना बन के आ गया, मेरा है हमारे ना गरम गरम जो कि काफी टेस्टी है गाइस। पर देखिए इसमें सब चीज अपना डाला हुआ है, घर का बनाया हुआ है, ब्रेड से लेकर चीज तक, कॉपीराइट लग जाएगा शांत रहो। मेरा भाई ऐसे तुम्हारा आवाज के साथ नहीं लगेगा, मेरा भाई तू। देखिए गाइस चीज देखिए हाउस पलट गया, घर के पलट दिया कि तू। देखिए इसमें भी चीज है पूरा, काफी टेस्टी है लेकिन बाकी हम टेस्ट करना पड़ेगा गाइस। चलिए जल्दी जल्दी इसको खाते हैं, बहुत मन कर रहा है गाइस, जल्दी से खा के बताते कैसा है। पापा को भी बना के दे दिए हैं, पापा भी अभी तुरंत आए तो हम जल्दी जल्दी बना के पापा को भी दे दिए, पापा भी फिलहाल तो वही खा रहे हैं। बाकी हम आ गए हैं पेड़ पटाने, बाकी कुणाल में तुम पटा खा रहा है। कुणाल मेरे लिए अथी लगा दिया था, बाल्टी वगैरह लगा दिया था, हम बोले थे सफाई को लगाने, अपना लगी हुई है सब कपड़ा बढ़ाने में, काफ़ी अंधेरा हो गया गाइस, सूरज दादा भी अपने डूब गए, देख पा रहा होगा आपको मेरा कैमरा भी उतना रात में उतना साफ नहीं क्लियर नहीं रहता। बाकी गाइस रोड पे देखिए क्या हो रहा है, दिखाते हैं हम बाल्टी भर रही होगी अभी, रात हो गई मामू मामू ठीक है, भीड़ भाड़ है गाइस रात में, अभी के समय तो भीड़ हो ही जाता है मार्केट में बुरा, भैया अभी जाएगा बाजार में यार। और पूल भी देखिए, नहीं पूल खाली है, खाली है, खेत चल रहा है, हाँ यही भीड़ है, जाम है, अस्सी से नीचे गाड़ी नहीं चल रहा है पूल पे, सब भीड़ भाड़ है जिसके चलते बाल्टी भरेंगे फिर पानी डालेंगे। और देखिए पंछी सब भी अपने अपने घर चला गया गाइस, चंदा मामा आ गए ऊपर, हाय चंदा मामा, वहाँ एक तारा है, आई गेस कोई अथी है प्लैनेट वगैरह होगा, बस यही है गाइस फिलहाल का सीन, सब कोई आज खाली हो गया चारों तरफ, वो तो हमेशा ऐसे रहता है। पेड़ वगैरह में पानी डाल लेते हैं और फिर चला जाएगा नीचे क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो जल्दी ही डालना पड़ेगा। और पेड़ पर डालिए तो अंधेरा भी हो गया था, तो आप वीडियो नहीं बना पाए, वीडियो करते हैं आप सोचे कभी चैट बनाते हैं, तो बैठे हुए बाकी कुणाल के सर आ गए हैं तो वो ट्यूशन पढ़ने लगा, उसके सर भी आ जाएंगे जो अपनी बात आगे हुई सर का फीवर वगैरह या तबियत वगैरह पर आपका उसके चलते, तो जो भी समझा हम पढ़ाई करेंगे बैठ के और उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है, तो चलिए पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल तो 10:30 हो रहा है, मस्त अपना डिनर वगैरह हो गया है, और देखिए OTG अभी यही रखा हुआ है, इसको भी हटाना है, आज बहुत मज़ा आया गाइस, टेस्टी टेस्टी पिज्जा लग रहा है, मार्केट वगैरह नहीं गए लेकिन घर में होममेड पिज्जा जो कि बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था, इसको खा के तो मन मज़ेदार हो गया भाई, बहुत स्वादिष्ट क्या बनाए थे, मतलब हम लोग चारों पाँच को चारों को खाए एकदम, सबके लिए सबके लिए मतलब बहुत अच्छा बना था। हाँ लेकिन
बताए प्रॉब्लम क्या था उसमें ना, बेस्ट वाला सपोर्ट हम लोग मोटा लेते स्टार्टिंग था, इसलिए तो आइडिया नहीं था। अगला बार से मोटा बेस लेंगे और उसके बाद फिर उसके बाद फिर जैसा होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। और पीएल का मजा आ गया ऐसी जगह सही बोले तो यही सब है भाई, यही बात है। तो काफ़ी मजा आया खा के टेस्टी टेस्टी और बस यही था। तो अच्छा दिन यही था, मार्केट वगैरह नहीं गए, घड़ी पे था सब चीज नहीं निकल गया और अब हम भी थक गए सोने जा रहे हैं। और आपसे हम मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ एक नए के साथ। तो आप सब लोग यही करते हैं, तो फिर लाइक करो, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जम के शेयर करें। ठीक है ना, बाय बाय, गुड नाइट।